हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। है वो कम होते हैं, लेकिन देखिए इतने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी आप देखिए ये कैसे मेरे प्लांट्स को खा रहे हैं और कैसे ये चिपके पड़े हैं पत्तों के नीचे आराम से फ्रेंड्स, और पूरे पत्तों को आराम से खा रहे हैं। तो मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करती हूँ, मैंने इसके जो पूरे पत्ते हैं ये हटाने हैं, मैंने कोई भी पत्ता मैंने नहीं रखना है इसका, और पत्ते हटा के जो मेरे नीचे जो मेरे लीफ गिरे होते हैं या जो डेड लीफ होते हैं वो उनको भी मैंने हटाना है, जो मिट्टी के ऊपर गिरे होते हैं वो भी हमने नहीं रखना, उससे भी फंगस जो है वो हमारी लगती है तो वो मैंने बिल्कुल नहीं रखना है, उसको भी मैंने हटाना है और ये मेरे सारे रिमूव करूँगी। तो मैं एक हाथ से इसको हटा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे कैमरा नीचे रखना पड़ेगा, मैं फटाफट इसको हटाती हूँ सभी को, तो आप देखेंगे कि मेरी इनको भी ऊपर ऊपर से नहीं खाया है किसी को, बीच में बच गएंगे जो लगे हुए, देखिए तो इस टाइम में ये नहीं, इसको नहीं अभी खाया है और ये भी बची हुई है मेरी, तो मैंने ये सारे हटाने, मैंने ये रखना नहीं है, ये मेरे और प्लांट्स में भी लग रहे हैं तो इनको मैंने हटा देना। ये देखिए फ्रेंड्स पत्तों के नीचे आप देख सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि पत्तों के नीचे भी ये हो सकते हैं, लेकिन बड़े आराम से चिपके हुए मिलेंगे और आराम से उन्हें पत्ते
बुखार है अपना काम पूरा कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्तों के नीचे गुच्छे होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं दूसरे प्लांट में चल जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि पत्तों के नीचे ऐसे वाइट वाइट गुच्छा आपको मिलता है तो उसको भी आपने हटाना है, रिमूव करना है फ्रेंड्स। तो ये अभी छोटे बच्चे हैं, गुच्छों में अभी हैं, अंडे हैं ये। तो जैसे धीरे धीरे बड़े होते फिर ये ग्रीन होते हैं और अपना पूरा काम करते हैं, पूरे पत्तों को खराब करते हैं। मैंने पत्ते हटाए हैं, उसके बावजूद भी मैं इसमें स्प्रे कर रही हूँ, पत्ते के ऊपर भी स्प्रे किए, क्योंकि इससे मैंने देखा कि स्प्रे करने से भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे